फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच अपनी लाइफ के लिए, उस परिस्थिति के लिए क्रिएट कर पाते हैं, सो डेफिनेटली उस परिस्थिति को आप बहुत आराम से क्रॉस करते हुए चले जाएंगे और जब आप कुछ सालों बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा वो परिस्थिति कब आई, कब आपके सामने से होकर चली गई, आपको पता भी नहीं चला। सिर्फ आपका पॉजिटिव अप्रोच ही होता है जो किसी परिस्थिति को आपके ऊपर हावी होने से रोक सकता है। एंड ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही है जिसकी वजह से आप बहुत मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी बहुत आसानी से क्रॉस कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। चलिए, एनीवेज, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी पर्सनैलिटी पर भी ध्यान देना, अपनी स्किन पर ध्यान देना, अपने वेट पर ध्यान देना, अपने बालों पर ध्यान देना, अपने नेल्स पर ध्यान देना, और यही सब कुछ हम अपने इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक विंटर स्पेशल टू स्टेप फेशियल के बारे में। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं दोस्तों, हमारे चेहरे पर बहुत सारे डेड सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर ऐसी फीलिंग आने लगती है कि एक मैल की लेयर हमारे चेहरे पर चिपक गई है। एंड ये मैल की लेयर नहीं होती बल्कि ये हमारे चेहरे पर चिपकने वाले वो डेड सेल्स होते हैं जो बहुत कुछ करने के बाद भी हमारे चेहरे से हटते नहीं हैं। लेकिन आयुर्वेद और प्रकृति जब हमें कुछ इस तरह की समस्याएं देती है तो इसका समाधान उसने हमें पहले ही दिया हुआ होता है। सो इसका एक बेहतरीन समाधान है दोस्तों, और वो है दाना मेथी से किया जाने वाला फेशियल। फेनिग्रिक फेशियल जो है ये आपको टू स्टेप्स में करना है, एंड ये आपको बहुत ही ज्यादा मैजिकल रिजल्ट्स देगा अगर आप इसे हफ्ते में एक बार करेंगे एंड पूरी सर्दियों तक अगर आप इसे कंटिन्यू रखेंगे। इस फेशियल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप 11 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को इस फेशियल को करवा सकते हैं। एंड अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप ज़्यादा बजट को मेंटेन करना चाहते हैं, आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली दाना मेथी का ये फेशियल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते हैं और शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फेनिग्रिक फेशियल करने के लिए हमें सिर्फ चार इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। नंबर वन, हमें चाहिए फेनिग्रिक, मतलब कि दाना मेथी। सो दाना मेथी का हमें एक बेस बना करके तैयार रखना है और यही एक बेस हमें दोनों के दोनों जो स्टेप्स हैं उन्हें करने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। सो इसे बनाने के लिए हमें लगभग 25 ग्राम के आसपास दाना मेथी ले लेनी है। दाना मेथी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स एंड बहुत सारे फाइटो एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को पॉलिशिंग इफेक्ट देती है। हमारी स्किन में जमा जितनी डेड सेल्स होते हैं उन्हें हटा करके, उन्हें खत्म करके हमारी स्किन के नीचे दबे जो नए सेल्स होते हैं उन्हें बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। सो 25 ग्राम दाना मेथी ले लेना है और इस दाना मेथी को हमें दूध के साथ भिगो करके कम से कम 1 से 1.5 दिन के लिए, मतलब कि 24 घंटों से लेकर के 36 घंटों तक के लिए भिगो करके रख देना है। दूध आपको थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना है यहां पर, क्योंकि दाना मेथी जो है वो इस दूध को एब्जॉर्ब करेगी और जब ये एब्जॉर्प्शन होगा तो दूध आपका कम नहीं पड़ना चाहिए। बीच बीच में आप चेक करते रहो, अगर आपको लगता है कि दूध सूख गया है, बीजों ने, जो दाना मेथी के बीज है उन्होंने दूध पूरा पी लिया है, तो थोड़ा सा दूध और ऐड कर दीजिए ताकि दाना मेथी को ज्यादा से ज्यादा ये कच्चा दूध पीने के लिए मिले, क्योंकि जितना ज्यादा ये लैक्टिक एसिड वाला दूध इसको मिलेगा ये उतना ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अब 24 से 36 घंटे बाद अब आप इस दूध वाले दाना मेथी जो है इसको अच्छे से पीस लीजिए। जब आप इसे पीस लेंगे तो आपका एक स्मूथ पेस्ट बनकर के तैयार हो जाएगा जो कि बेसिकली एक बेस है हमारे इस टू स्टेप फेशियल का। सो दोस्तों, अब हमें शुरू करना है इस फेशियल को करने के लिए पहला स्टेप। तो पहला स्टेप जो होने वाला है वो है क्लिंजिंग का स्टेप। क्लिंजिंग डेफिनेटली हमारी स्किन पे लगाए जाने वाले किसी भी प्रोडक्ट से पहले करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारी स्किन के अंदर जमा जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं
हैं वो सब बाहर निकल जाएं, और हमारी स्किन धीरे धीरे पोर्स को जब रिफाइन करती जाती है तो उसके बाद लगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स हमें बेहतरीन रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। सो लगभग एक चम्मच के आसपास हमें इस दाना मेथी का पेस्ट लेना है, और इस पेस्ट के अंदर हमें मिलाना है थोड़ा सा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि ग्लिसरीन के अंदर हमारी स्किन को नमी देने के लिए ह्यूमक्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और जब हमारी स्किन में नमी आ जाती है, जब हमारी स्किन में ह्यूमक्टेंट्स मिल जाते हैं, तो हमारी स्किन के अंदर जो विंटर्स में ड्राइनेस फील होनी शुरू हो जाती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और मैल की लेयर मतलब जो डेड सेल्स की लेयर है वो सॉफ्ट होने लगती है। सो लगभग एक चम्मच दाना मेथी का पेस्ट जो कि आपने दूध में भिगो करके तैयार किया था, और आधा चम्मच के आसपास ग्लिसरीन मिला करके आप अच्छे से इसे चेहरे पर लगाइए। 10 से 15 मिनट के लिए छोड़िए, और 10 से 15 मिनट बाद अपने चेहरे पर अच्छे से इसी पेस्ट से मसाज कीजिए, एंड मसाज करने के बाद हल्के से गुनगुने पानी के साथ जिसको कि हम ल्यूकवॉर्म वाटर कहते हैं उससे चेहरे को वॉश कर लीजिए। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे स्टेप की तरफ जो कि मसाज का काम भी करेगा एंड हमारे मास्क का काम भी करेगा। सो हमें यहाँ पर लेनी है एक चम्मच दाना मेथी का ये पेस्ट, और इसके अंदर मिलानी है दो चीज़ें। पहली चीज़ हम इसके अंदर मिलाएंगे फ्रेश दही। फ्रेश दही ही लीजिएगा, खट्टा दही मत लीजिएगा, क्योंकि सर्दियों के अंदर जब आप थोड़ा सा खट्टा दही लेते हो तो आपकी स्किन में ड्राइनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। सो एक चम्मच आपने दाना मेथी का पेस्ट लिया, एक चम्मच आपने फ्रेश दही डाला, और एक चम्मच आपको इसके अंदर मिला देना है चावल का आटा। ये चावल का आटा जो है आपको स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड आपकी टाइटनिंग प्रॉपर्टीज देने का काम करेगा। दही आपकी स्किन पे ब्राइटनिंग एंड पॉलिशिंग इफेक्ट देने का काम करेगा, एंड जो फेनिग्रिक सीड्स हैं, जो दाना मेथी है, वो तो डेफिनेटली आपकी स्किन को पॉलिशिंग इफेक्ट देने ही वाला है। सो मेक श्योर कि इन तीनों चीज़ों को एक एक चम्मच मिलाइए, चेहरे पर लगाइए, 5 मिनट छोड़िए, और 10 से 15 मिनट के लिए उसके बाद बढ़िया से मसाज कीजिए। जब आप मसाज करोगे तो आप देखोगे आपकी स्किन धीरे धीरे निखरने लगी है, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा बेहतरीन पॉलिशिंग इफेक्ट अब आपको दिखाई दे रहा है। सो मेक श्योर कि इस फेशियल को आप हफ्ते में एक बार ज़रूर करें, एंड इस फेशियल को करने के बाद अगर आपको ड्राइनेस फील होती है तो डेफिनेटली एक मॉइस्चराइजर ज़रूर लगा लें, क्योंकि ड्राइनेस होना थोड़ी सी लाजमी बात है, क्योंकि जब डेड सेल्स आपके चेहरे से निकलते हैं तो नीचे से नए बहुत सारे सेल्स आपको दिखाई देते हैं जो कि थोड़े से ड्राई होते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और आपकी स्किन खिलखिला उठती है। सो मेक श्योर इस फेशियल को जरूर ट्राई करें हफ्ते में एक बार, पूरी सर्दियों तक ट्राई करें, एंड आप देखेंगे कि ये सर्दियां आपको आपकी स्किन को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है, आपकी स्किन खिलखिलाती हुई बेहतरीन रिजल्ट्स आपको दे रही है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी बेहतरीन वीडियोस हम आपके लिए बहुत मेहनत करके क्रिएट करते हैं आपको पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं और आपको लगता है कि ये चैनल आपकी मदद कर सकता है तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा, और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।